नमस्कार, मैं डॉक्टर गिरीश कुमार तिवारी डीएलएड की इस कक्षा में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच स्टूडियो में वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा राजस्थान के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अखिलेश कुमार पाठक मौजूद है। डॉक्टर पाठक, मैं आपका स्वागत करता हूं। धन्यवाद। आज डॉक्टर पाठक हमारे साथ बिहार शिक्षा परियोजना पर चर्चा करेंगे। तो डॉक्टर पाठक, चर्चा की शुरुआत से पहले मैं ये चाहूँगा कि आप परियोजना की पृष्ठभूमि पर थोड़ी रोशनी डालें, क्योंकि परियोजना है तो कुछ ना कुछ क्या आवश्यकता पड़े इस परियोजना को चलाने की। कुछ ऐसे कारण रहे होंगे, राजनीतिक परिस्थितियाँ या सामाजिक परिस्थितियाँ कुछ ऐसी रही होंगी जिसकी वजह से लोगों को यह समझ में आया होगा, वहाँ के प्रशासन को, वहाँ की सरकार को यह समझ में आया होगा कि एक ऐसी परियोजना चलाई जानी चाहिए। तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को इस परियोजना की पृष्ठभूमि के विषय में थोड़ा बताएं। धन्यवाद डॉक्टर गिरीश। जैसा कि आपने कहा, बिहार शिक्षा परियोजना की पृष्ठभूमि की चर्चा करने के लिए, तो बिहार शिक्षा परियोजना जो है, इस पर चर्चा करने से पहले थोड़ी सी चर्चा हमें करनी होगी उसके पृष्ठभूमि को जानने के लिए कि सभी के लिए शिक्षा का जो एजुकेशन फॉर ऑल का जो जमेटीन घोषणा पत्र था वो क्या था। तो सभी के लिए शिक्षा वस्तुतः एक विश्वव्यापी मुद्दा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये विचार का मुद्दा है कि कैसे शिक्षा को जन जन तक पहुंचाया जाए। इसी पर विचार करते हुए आप अगर और पहले जाएं, लगभग 70 साल पहले जाएं, तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार का घोषणा पत्र जो 1948 में आया था, संयुक्त राष्ट्र संघ में ने दिया था, उसमें ये कहा गया था कि सभी व्यक्ति को शिक्षा पाने का अधिकार है। लेकिन इस घोषणा के दशकों बाद भी, 5 दशक 50 साल पूरे होने के बाद भी, कई बालक जो है अपने इस अधिकार से वंचित थे। इसी को एड्रेस करने के लिए, इसी पर विचार करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने एजुकेशन फॉर ऑल कॉन्फ्रेंस जो है थाईलैंड के जमेटिन शहर में 5 से 9 मार्च 1990 के दौरान आयोजित किया। ये जो जमेटिन कॉन्फ्रेंस इन्होंने आयोजित किया, इसमें सभी के लिए शिक्षा पर 155 देशों के प्रतिनिधियों और 150 गैर सरकारी संगठनों ने भाग लिया। और इसमें ये कमिटमेंट किया गया कि सन 2000 तक सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा मुहैया कराने की कोशिश की जाएगी। हालांकि वो अचीव नहीं हो पाया, तो बाद में उसको बढ़ा करके 2015 तक किया गया। लेकिन आज की तारीख में 2015 भी पूरा हो चुका है और हम उस आदर्श स्थिति तक नहीं पहुँचे हैं। हालांकि हम बहुत अच्छी स्थिति में आ गए हैं, उस समय से तुलना करें अगर तो आज बहुत सारे अच्छी है, उस अच्छी समय है, अच्छी है, बहुत अच्छी, अच्छी नहीं, बहुत अच्छी, बहुत है, अच्छी है। बहुत कम बच्चे जो है अब स्कूल से बाहर हैं या ड्रॉप आउट हो रहे हैं। और गुणात्मक वृद्धि साथ साथ मात्रात्मक वृद्धि भी प्राथमिक शिक्षा में हमने की है। लेकिन जो आइडियल स्टेट था कि 100% इनरोलमेंट प्राप्त करना, वो हम अभी तक प्राप्त नहीं कर पाए हैं। इस सम्मेलन का जो मुख्य उद्देश्य था जमेटिन कॉन्फ्रेंस का, वो था कि शिक्षा का सार्वभौमिकरण कैसे करें और निरक्षरता का उन्मूलन कैसे करें। इन दोनों बिंदुओं पर विचार करने के लिए जमेटिन का सभी के लिए शिक्षा कॉन्फ्रेंस बुलाया गया था। जमेटिन कॉन्फ्रेंस में बुनियादी शिक्षण के लिए 6 प्रमुख लक्ष्यों की पहचान की गई थी। वो 6 लक्ष्य जो थे वो थे बच्चों का आरंभिक देखभाल, ये अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, और विकासात्मक क्रियाओं का विस्तार करना, प्राथमिक शिक्षा को पूरा करने के लिए सार्वभौमिक पहुंच, यूनिवर्सल एक्सेस, कि हर बच्चे को विद्यालय का एक्सेस हो, हर बच्चा विद्यालय तक पहुंच सके और विद्यालय उसकी पहुंच में पहुंच हो में बच्चा हो। तो पहुंच सके और विद्यालय भी उसकी पहुंच में हो, मतलब उसके घर के 1-2 किलोमीटर के दायरे में हो। बिल्कुल बच्चे को एक्सेसिबल हो विद्यालय। उसके अलावा एक जो बड़ी महत्वपूर्ण बात उसमें कही गई थी जमेटिन कॉन्फ्रेंस में, उसमें था कि अधिगम उपलब्धि में सुधार लाया जाए। ऐसे मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग जो आप नाम सुनते हैं कि प्रत्येक निश्चित उम्र के लिए आवश्यक अधिगम न्यूनतम उपलब्धि जो है उसको परिभाषित किया जाए, जिसको MLL या मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग कहते हैं। न्यूनतम स्तर, अधिगम का न्यूनतम स्तर परिभाषित किया गया और इसको लागू करने की बात की गई। इसके अलावा जो इसके लक्ष्य थे वो थे वयस्क निरक्षरता दर में कमी लाना, युवाओं और वयस्कों के लिए जरूरी अन्य कौशलों में
प्रशिक्षण और बुनियादी शिक्षा के प्रावधानों में विस्तार करना, व्यक्तियों और परिवारों के द्वारा ज्ञान कौशल एवं बेहतर जीवन के लिए आवश्यक मूल्यों, स्वास्थ्य और सतत विकास के अधिग्रहण में वृद्धि करना। इसमें जो जमिटिन का ये घोषणा पत्र था, इसमें सभी के लिए शिक्षा, इस घोषणा पत्र में उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो बेसिक सिद्धांत कुछ दिए गए थे, उस बेसिक सिद्धांत में एक सिद्धांत था निष्पक्षता, कि बिल्कुल निष्पक्ष होकर के ये सारी चीज़ें लागू की जाएंगी। दूसरा जो सिद्धांत था वो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस जो दिया गया था वो लर्निंग पे दिया गया था। तीसरा जो सिद्धांत रखा गया वो था कि बेसिक शिक्षा के अर्थ एवं कार्य क्षेत्र को व्यापक बनाया जाए। चौथा जो सिद्धांत था वो था कि अधिगम परिवेश में हमारा जो लर्निंग एनवायरनमेंट है उसको मॉडिफाई किया जाए, उसमें सुधार किया जाए। पाँचवा जो इसका सिद्धांत था वो था कि पार्टिसिपेशन को जितने भी विद्यार्थी हैं और सिविल सोसाइटी है इन सब को बालक की शिक्षा में इनकी भागीदारी को और सुनिश्चित किया जाए और मजबूत बनाया जाए। इसका जो प्रभाव पड़ा हमारे देश पे वो था कि सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा में वृद्धि हुई, और इसी प्रभाव के कारण ये जमिटिन कॉन्फ्रेंस था सभी के लिए शिक्षा का, कि इसी सभी के लिए शिक्षा को प्राप्त करने के लिए भारत देश में सबसे पहली सभी के लिए शिक्षा परियोजना जो चलाई गई वह थी बिहार शिक्षा परियोजना। 1990 में जमिटिन कॉन्फ्रेंस हुआ और 1991 में बिहार शिक्षा परियोजना की शुरुआत की गई थी। अभी डॉक्टर साहब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे रोकना चाहूँगा। जी बिल्कुल। अभी जब हम लोग सर्व शिक्षा की बात कर ही रहे हैं या सबके लिए शिक्षा की बात कर ही रहे हैं, तो क्यों ना हम अपने दर्शकों को ये बताएं कि भारत सरकार ने सबके लिए शिक्षा या एजुकेशन फॉर ऑल के लिए क्या प्रयास किए हैं या क्या योजनाएं वर्तमान में चल रही हैं, जो कुछ मुख्य योजनाएं हैं उनसे थोड़ा सा हम अपने दर्शकों को अवगत कराएं। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका डॉक्टर गिरीश जी, कि सभी के लिए शिक्षा के लिए कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं। तो जब जमिटिन कॉन्फ्रेंस हुआ उसके बाद कई परियोजनाएं शुरू की गईं, कई योजनाएं शुरू की गईं, लेकिन ये सारी योजनाएं जो है, उसके बाद जमिटिन के बाद ढाकर में भी एक कॉन्फ्रेंस किया गया था फ्रेमवर्क फॉर एक्शन जमिटिन कॉन्फ्रेंस के लिए। जब देखा गया कि उतनी प्रगति नहीं हो पाई है 10 सालों में 11 सालों में, तो ढाकर शहर में, सेनेगल के ढाकर शहर में, इसके फ्रेमवर्क फॉर एक्शन के लिए, एजुकेशन फॉर ऑल के फ्रेमवर्क फॉर एक्शन के लिए भी एक और कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया था। और उसके बाद फिर बड़े पैमाने पे, बड़े युद्ध स्तर पे सभी के लिए शिक्षा पर काम शुरू हुआ। और जब काम शुरू हुआ तो पहले से भारत सरकार जो काम कर रही थी, जैसे DPP प्रोग्राम चला रही थी, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, उसके अलावा एडल्ट लिटरेसी के कई प्रोग्राम चल रहे थे, इवन ये बिहार शिक्षा परियोजना या अदर स्टेट्स में जो परियोजनाएं शुरू की गई थी, लिटरेसी मिशन जैसे कार्यक्रम भी चल रहे थे। जी जी बिल्कुल। उसके बाद इन सारे कार्यक्रमों को डोमिनेट करता हुआ एक बहुत व्यापक, बहुत विजनरी कार्यक्रम बनाया गया, अब तक का सबसे बड़ा शिक्षा का, प्राथमिक शिक्षा का कार्यक्रम कह सकते हैं उसको, वो है सर्व शिक्षा अभियान। और ये जितने भी छोटे छोटे प्रोग्राम चल रहे थे एक एक अलग अलग, उन सारे कार्यक्रमों को इस सर्व शिक्षा अभियान के बैनर तले ला दिया गया, सर्व शिक्षा में समाहित कर दिया गया, सर्व शिक्षा अभियान में समाहित कर दिया गया। बाद में ये भी राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान भी चला जी, जिसको RMSA कहते हैं। और आज की तारीख में जो प्रोग्राम चल रहा है, जो कार्यक्रम चल रहा है, वो सबसे बड़ा सभी को, मतलब एक अम्ब्रेला प्रोग्राम चल रहा है, वो है सर्व शिक्षा अभियान। तो हम ये कह सकते हैं कि वर्तमान परिदृश्य में जो सर्व शिक्षा के लिए या सबके लिए शिक्षा के लिए जो भारत सरकार की प्रमुख परियोजना है वो सर्व शिक्षा अभियान है। और अभी हम लोग बात कर रहे थे बिहार शिक्षा परियोजना की, जो कि सरकार ने इसी सर्व शिक्षा अभियान के लिए ही शुरू की थी, बाद में इसको भी वहाँ पे समाहित कर दिया जी, जी। तो बिहार शिक्षा परियोजना की जो पृष्ठभूमि हुई उसकी बहुत सुंदर आपने व्याख्या की कि कैसे वो कॉन्फ्रेंस हुआ, फिर डाकर में क्या हुआ, और इन सब के साथ आपने उसकी व्याख्या की। लेकिन इस परियोजना को चलाने के समय या शुरू करने के समय सरकार ने इसके क्या उद्देश्य तय किए थे, अगर ये बात हम अपने दर्शकों को बताते हैं तो उनके लिए ज़्यादा लाभकारी होगा ये। जी बिल्कुल, चूँकि हमारा आज का टॉपिक बिहार शिक्षा परियोजना है जी, तो ये जानना ज़रूरी है हमारे दर्शकों के लिए कि आखिर बिहार शिक्षा परियोजना के उद्देश्य क्या थे।
अगर बिहार शिक्षा परियोजना के बारे में थोड़ा सा जान लें कि पहले तो भारत की पहली सभी के लिए शिक्षा परियोजना थी जी, दूसरा कि बिहार प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण और शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन के लिए जमेटीन कॉन्फ्रेंस से प्रेरित होकर के ये परियोजना शुरू की गई थी। आज की तारीख में इसको बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के नाम से भी जाना जाता है। आरंभ में जब ये परियोजना शुरू हुई थी जी जी। तो प्राथमिक शिक्षा को ही इसने मुख्य केंद्र माना था और प्राथमिक शिक्षा तक काम कर रहे थे, लेकिन बाद में यह माध्यमिक स्तर तक इन्होंने अपना कार्य क्षेत्र जो है वो एक्सटेंड कर दिया। बिहार शिक्षा परियोजना के जो उद्देश्य थे जैसा कि हम लोग चर्चा कर रहे थे जी, वो थे सार्वभौमिक पहुँच यूनिवर्सल एक्सेस, कि सभी को विद्यालय का एक्सेस हो, सभी के लिए विद्यालय अवेलेबल हो, विद्यालय सभी के लिए सुगम हो, सार्वभौमिक नामांकन यूनिवर्सल इनरोलमेंट टोटल इनरोलमेंट इन प्राइमरी स्कूल और एट प्राइमरी लेवल एटलीस्ट, सार्वभौमिक धारण यूनिवर्सल रिटेंशन कि जो बच्चे एडमिशन लें वो सारे अपना प्राथमिक शिक्षा कम से कम पूरा करें उसके बाद जाएं, उसके अलावा सार्वभौमिक उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य की प्राप्ति करना, मतलब शिक्षा के सार्वभौमिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सार्वभौमिक पहुंच, सार्वभौमिक नामांकन, सार्वभौमिक धारण और सार्वभौमिक उपलब्धि की बात, ये चार जो थे माइलस्टोन कह सकते हैं आप उसको, कि इन चार माइलस्टोन्स के थ्रू शिक्षा का सार्वभौमिकरण प्राप्त करना इसका उद्देश्य था। दूसरा जो इसका उद्देश्य था वो था निरक्षरता के स्तर में तेजी से कमी लाना, और तीसरा जो उद्देश्य था इसका महिला सशक्तिकरण एवं महिलाओं को पुरुषों के समान अवसर, शैक्षिक अवसर खास करके प्रदान हो, इसके लिए शिक्षा व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन किए जाएं। इसके अलावा सामाजिक न्याय एवं समानता के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए शैक्षिक प्रयास करना। तो इसमें जब ये बिहार शिक्षा परियोजना शुरू हुई थी तो इसने फोकस किया विमेन एजुकेशन पे, इसने फोकस किया एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद डिसएडवांटेज ग्रुप, जैसे कि अक्षमता युक्त बालक हैं, जैसे कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के बालक हैं, इन पर ध्यान देना शुरू किया और इनकी शिक्षा के लिए भी बहुत सारे प्रयास बिहार में किए गए। इसके अलावा इसका जो उद्देश्य था उसमें था कि व्यक्तियों के जीवन तथा कार्य की परिस्थितियों से शिक्षा का संबंध स्थापित करना, कि शिक्षा का संबंध स्थापित किया जाए ताकि व्यक्ति का जीवन और कार्य एक दूसरे से जुड़ सके, और साथ ही इसका उद्देश्य एक और था कि विज्ञान तथा पर्यावरण से संबंधित समस्त शैक्षिक क्रियाओं पर बल दिया जाए और विज्ञान एवं पर्यावरण से संबंधित क्रियाओं को विद्यालय के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए और उनको बढ़ावा दिया जाए ताकि जागरूकता जो है पर्यावरण संबंधी वो विद्यार्थियों में हो सके और पर्यावरण की जो समस्या आजकल चल रही है पर्यावरण प्रदूषण की वो कुछ कम हो सके, विद्यार्थी जागरूक हो सके और पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रयास कर सके। जी जी जी। अब ये जो बिहार शिक्षा परियोजना थी इसमें प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए जी जी। जो ये बताया कि उद्देश्य ये थे जी जी। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कुछ क्रियाओं के साथ समन्वय स्थापित करके कार्य प्रारंभ किया। क्रियाओं पर चर्चा करने से पहले मैं ये चाहूंगा, मेरे मन में भी एक शंका है कि जैसे विभिन्न उद्देश्य हमने देखा, सार्वभौमिक धारण, सार्वभौमिक नामांकन और सार्वभौमिक उपलब्धि आदि, तो कहीं ना कहीं अपव्यय एवं अवरोधन की बात आती है जिसको कि वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन के रूप में ज्यादा जाना जाता है जी जी। तो क्या इसको भी इस परियोजना में शामिल किया गया था? नहीं, वेस्टेज और स्टैग्नेशन इस परियोजना में शामिल नहीं किए गए थे। ये जो बिहार शिक्षा परियोजना है ये सभी के लिए शिक्षा की जी जी। बहुत ही मैंने पूरे विश्व की पहली मीटिंग थी जमेटीन कॉन्फ्रेंस और उसके बाद शुरू हुआ था, तो इसके मूल उद्देश्य यहीं तक थे कि कैसे निरक्षरता को कम किया जाए, कैसे प्राथमिक शिक्षा को बढ़ाया जाए, कैसे जो है अधिक से अधिक इनरोलमेंट विद्यालयों में हो सके। तो इस लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जो है इन्होंने किन किन चीज़ों पर ध्यान दिया? एक तो शिक्षा में गुणात्मक सुधार पर ध्यान दिया कि शिक्षा की गुणवत्ता जो है वो बढ़े। दूसरा यूनिवर्सल इनरोलमेंट पर ध्यान दिया, तीसरा यूनिवर्सल रिटेंशन पर ध्यान दिया, चौथा यूनिवर्सल एक्सेस पे ध्यान दिया, और इसकी वजह से ही बहुत सारे नए विद्यालय खोले गए और कई सुदूर गांवों में जहां विद्यालय नहीं थे वहां पे भी विद्यालय उपलब्ध, और कह लीजिए कि आज भी खोले जा रहे हैं, खोले भी जा रहे हैं, अभी भी जारी प्रयास जारी है। हाँ, बिल्कुल। इसके अलावा बालिका शिक्षा पर ध्यान दिया गया और विशेष आवश्यकता वाले बालकों की शिक्षा पर भी ध्यान दिया गया, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के बालकों की शिक्षा को बढ़ावा दिया गया, शहरी वंचित वर्ग के जो बालक हैं
जैसे जो शहरों में रहते हैं लेकिन अलग अलग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, विद्यालय नहीं जाते, नहीं जा पाते हैं। कुछ लोग दुकानों पे काम कर रहे हैं, कुछ लोग कचरा बीनने का काम कर रहे हैं, इस प्रकार के जो बालक थे शहरी वंचित वर्ग के जो विद्यार्थी, इन पर भी ध्यान दिया गया। इसके अलावा जो काम किए गए वो शोध मूल्यांकन एवं निर्देशन की योजना बनाई गई और उनको इम्प्लीमेंट किया गया। क्योंकि जब तक हम अनुसंधान नहीं करते हैं, जब तक हम अपने कार्यक्रमों का मूल्यांकन नहीं करते हैं, तब तक हम ये नहीं जान पाते हैं कि हमारे कार्यक्रम कितने सफल हुए। तो ऐसे में शोध मूल्यांकन तथा निर्देशन पर भी ध्यान केंद्रित किया गया बिहार शिक्षा परियोजना के अंतर्गत। साथ ही सामुदायिक कार्यों पर ध्यान दिया गया और सिविल सोसाइटी को इन्वॉल्व किया गया कि बच्चों की शिक्षा में, विद्यालय की शिक्षा में, विद्यालय के प्रबंधन में उनकी क्या भागीदारी हो सकती है, इसके लिए सिविल सोसाइटी को भी इन्वॉल्व किया गया। इसके अलावा कंप्यूटर शिक्षा पर ध्यान दिया गया, शिशु देखभाल और शिक्षा पर ध्यान दिया गया। ये सारे जो है काम किए गए यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लिए ये सारे प्रयास किए गए। जी, तो अभी आप कुछ क्रियाओं की बात कर रहे थे कि उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए क्रियाओं के साथ समन्वय किया गया, तो वो कौन सी क्रियाएं थी जिस पर कि सरकार ने उन क्रियाओं को शिक्षा के, या जो सबके लिए शिक्षा की बात हम कर रहे हैं उसके उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, या कह लीजिए कि जो बिहार शिक्षा परियोजना चली उसके उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वो कौन सी क्रियाएं थी जिनके साथ सरकार ने इनको समन्वित करने की बात की? गिरीश जी, जो आपने पूछा है कि कौन कौन सी क्रियाएं थी, तो इन क्रियाओं की चर्चा हम इससे पहले अभी जो कर रहे थे एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि शिक्षा में सबसे पहला तो गुणात्मक सुधार लाने का प्रयास किया गया। उसके अलावा सार्वभौमिक नामांकन की बात की, रिटेंशन और सभी बच्चे तक स्कूल की पहुंच जैसी क्रियाओं पर बल दिया गया। बालिका शिक्षा पर ध्यान दिया गया, विशेष आवश्यकता वाले बालकों की शिक्षा पर ध्यान दिया गया, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के बालकों की शिक्षा को फोकस किया गया, शहरी वंचित वर्ग के जो बालक थे उनकी शिक्षा को फोकस किया गया, साथ ही शोध मूल्यांकन एवं निर्देशन को बढ़ावा दिया गया, सामुदायिक कार्य को बढ़ावा दिया गया, कंप्यूटर शिक्षा पर ध्यान दिया गया और शिशु देखभाल एवं शिक्षा अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन उस पर भी बातचीत की गई, उस पर भी ध्यान दिया गया। तो अब मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि इस परियोजना का क्या प्रभाव पड़ा शिक्षा के ऊपर। जी, क्योंकि अगर योजना चली है, क्रियान्वित हुई है, तो कुछ ना कुछ तो प्रभाव पड़ा ही होगा, या तो सकारात्मक दिशा में या नकारात्मक दिशा में। जी जी बिल्कुल। तो कैसा प्रभाव पड़ा और क्या प्रभाव पड़ा ये आप हमारे दर्शकों को बताएं। बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। बिहार शिक्षा परियोजना के चलने के कुछ दिनों बाद ही ये देखा गया कि प्राथमिक स्तर पर नामांकन में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है और इसी वजह से भारत के कई राज्यों में ऐसी शिक्षा परियोजनाएं शुरू की गई। तो जैसा कि उद्देश्य लेके चला गया था बिहार शिक्षा परियोजना का, उसमें सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा में वृद्धि हुई, विद्यार्थियों के विद्यालय अभिगम्यता एवं उपस्थिति में वृद्धि दर्ज की गई। एक जो महत्वपूर्ण प्रोग्रेस दर्ज किया गया वो था विशेष आवश्यकता वाले बालकों की समावेशी शिक्षा का आरंभ और उसकी बिल्कुल सेटिस्फैक्ट्री प्रोग्रेस। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में गैर सरकारी संगठनों एवं सिविल सोसाइटी तथा निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी की गई और उनका सहयोग लिया गया, खास करके सुदूर ग्रामीण क्षेत्र जो होते हैं जहाँ पे सरकार की पहुँच नहीं है, सरकारी विद्यालय नहीं खोले जा सकते हैं, वहाँ निजी विद्यालयों को बढ़ावा दिया गया, NGO मैनेज्ड विद्यालयों को बढ़ावा दिया गया। इसके अलावा वर्तमान में बिहार शिक्षा परियोजना के अंतर्गत जो कार्यक्रम चल रहे हैं, अब तो बिहार शिक्षा परियोजना सर्व शिक्षा अभियान इम्प्लीमेंट कर रही है और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय परियोजना भी उसके अंतर्गत चल रही है, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम भी उसके अंतर्गत चल रहा है। तो इस प्रकार अगर हम संक्षेप में बात करें तो 1990 में जो जमेटिन में, थाईलैंड के जमेटिन में ये सभी के लिए शिक्षा या एजुकेशन फॉर ऑल के नाम से सुप्रसिद्ध जो कॉन्फ्रेंस हुआ था, जमेटिन कॉन्फ्रेंस की जो घोषणा थी वो संपूर्ण विश्व में प्राथमिक शिक्षा की प्रगति में एक मील का पत्थर साबित हुई थी और सभी के लिए प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने के प्रयासों को मजबूती प्रदान किया था। इसने इसी की उपज थी कि बिहार शिक्षा परियोजना की शुरुआत हुई जो भारत की सबसे पहली सभी के लिए शिक्षा परियोजना थी। एक गौरव की बात है बिहार के लिए कि सभी के लिए शिक्षा परियोजना जो है सबसे पहले जो लागू की गई वो बिहार में लागू की गई। इसकी सफलता के बाद कई राज्यों में ऐसी परियोजनाएं आरंभ की गई और वर्तमान में जो
एक बड़ी परियोजना है सर्व शिक्षा अभियान, अम्ब्रेला टर्म है, और बहुत व्यापक परियोजना है भारत सरकार की सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत। समस्त जो छोटे छोटे शिक्षा कार्यक्रम चल रहे थे वो कार्य तो कर रहे हैं, लेकिन उनका बड़ा बैनर जो सर्व शिक्षा अभियान के फ्रेमवर्क में समाहित कर दिया गया है, और बिहार शिक्षा परियोजना परिषद भी सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए उसके निर्देशानुसार उसके गाइडलाइन पर काम कर रही है। तो अगर प्रभावों की हम बात कर रहे थे, तो अगर इसके प्रभाव को हमें सारांश रूप में देखना हो जी, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि शिक्षा परियोजना के प्रभाव सकारात्मक रहे हैं लेकिन पूर्णतः नहीं प्राप्त किए जा सके हैं? देखिए गिरीश जी, इस मामले में ये बात है कि आइडियल जो है यू कैन नॉट अचीव आइडियल। आइडियल जो है वो आइडियल ऐसा होता है कि उसको आप अचीव नहीं कर पाते, कई बार अचीव नहीं कर पाते। बहुत कम समय होता है जब आदर्श स्थिति को आप प्राप्त होते हैं। हाइपोथेटिकल स्टेट, यूनिवर्सल रिटेंशन, दीज आर हाइपोथेटिकल स्टेट, लेकिन हमें वहाँ तक पहुँचने का प्रयास करना चाहिए। और बिहार शिक्षा परियोजना या सर्व शिक्षा अभियान अपने उद्देश्यों में सफल रही है। हालाँकि कुछ कमियाँ हो सकती हैं, कुछ ग्राउंड लेवल की समस्याएँ हो सकती हैं, लेकिन वहां तक पहुंचने में सुखद स्थिति हमने प्राप्त। हाँ, हम एक अच्छी स्थिति में हैं। हम जिस उद्देश्य को लेकर चले थे, हम उस उद्देश्य में बहुत हद तक सफल हैं। पूरे सफल ना हो लेकिन बहुत हद तक सफल तो हुए ही हैं। बहुत अच्छी चर्चा डॉक्टर पाठक आपने हमारे दर्शकों के साथ की बिहार शिक्षा परियोजना के ऊपर। साथ ही साथ आपने जेमेटिन कॉन्फ्रेंस के विषय में बताया और यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, जो शिक्षा के सार्वभौमिकरण की बात है, उस पर भी हमने चर्चा की। बिहार शिक्षा परियोजना के क्या उद्देश्य थे और क्या इसके प्रभाव रहे, इन सब चीज़ों को हमने देखा। साथ में आपने हमारे दर्शकों को ये भी बताया कि वर्तमान में जितनी परियोजनाएं चल रही हैं, छोटी छोटी परियोजनाएं शिक्षा के सार्वभौमिकरण को ध्यान में रखते हुए, वो सब एक बड़े बैनर सर्व शिक्षा अभियान के तले चल रही हैं। तो ये बड़ी ही सुंदर और ज्ञानवर्धक जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी। अब आज की चर्चा को यहीं पर सम्पन्न करते हैं और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना धन्यवाद, कीमती समय हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत आपको साधुवाद और सभी दर्शकों को भी साधुवाद।